सवाई माधोपुर में रणथंभौर के श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यहाँ भगवान गणेश अपने पूरे परिवार पत्नी रिद्धि सिद्धि समेत बेटे शुभ लाभ के साथ विराजित हैं। यहाँ भगवान गणेश को शादियों के लिए इनविटेशन कार्ड तो आते ही हैं, साथ ही भक्त अपनी मनोकामना भी पत्र में लिखकर भगवान गणेश तक पहुँचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पत्र में लिखकर भेजने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान गणेश का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिनके नाम मेल और लेटर आते हैं। भक्तों के लिखे खत कुछ इस तरह से होते हैं। श्री त्रिनेत्र गणेश जी महाराज, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लड़की की मम्मी तो शादी के लिए राजी है, लेकिन पिताजी मान नहीं रहे हैं। आपकी कृपा से उनके पिताजी राजी हो जाएं तो मेरी शादी हो जाएगी। दूसरा खत भी कुछ कम नहीं है। श्री गणेश जी महाराज, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, पत्नी से तलाक चाहता हूँ। आपके पास अर्जी लगाकर मैं तलाक लेना चाहता हूँ। कृपया मेरी अर्जी स्वीकार करें, आपकी अति कृपा होगी। जय हो त्रिनेत्र गणेश जी महाराज रणथंभौर की। तो अगला खत आप देखिए कि श्री गणेश जी महाराज, सवाई माधोपुर वाले गणेश जी, हमारी अर्जी स्वीकार करना, मेरे परिवार को खुश रखना और बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और अच्छा बिजनेस करें, यही कामना है। यहाँ भक्त शादी से लेकर संतान की मन्नत तक मांगते हैं। एक भक्त ने लेटर में लिखा, मेरी बहन की शादी अच्छे घर में तय कर, देव उठनी 11 पर शादी तय कर दीजिए। आगे उन्होंने लिखा कि मेरे संतान नहीं है, बहन की शादी और मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आप मेरे घर बेटे के रूप में पधारें, यही कामना है। आपका आशीर्वाद मिलते ही परिवार समेत दर्शन के लिए आऊँगा। इस मंदिर में लेटर तो आते ही हैं, साथ ही कई भक्त ईमेल भी भेजते हैं। एक भक्त ने ईमेल भेजकर माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने लिखा, बाबा मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी मूर्ति ऐसे ही मंदिर में रख दी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपको और भोलेनाथ को मैंने खो दिया। मेरी तबीयत दिनों दिन खराब हो रही है, आँखों में सूजन है और बीपी बढ़ने लगा है। मुझे स्वस्थ रखना, मैं कोटि कोटि आपके चरणों में माफ़ी मांगता हूँ। मुझे जीवन के 10 साल खुशी खुशी बिना किसी बीमारी के दीजिए, ताकि मैं अपने पति के साथ जी लूँ। बुधवार से देश भर में गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई है। ऐसे में गणेश महोत्सव के लिए भी भगवान श्री गणेश को इन्विटेशन मिल रहे हैं। कोई स्थापना तो कोई भजन संध्या में आने का न्योता दे रहा है। ऐसे ही इन्विटेशन पूरे साल मिलते रहते हैं। कई लोग शादी, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यक्रम के लिए सबसे पहला इन्विटेशन कार्ड त्रिनेत्र गणेश मंदिर में देने आते हैं। 3 साल पहले कोविड के दौरान सब कुछ बंद हो गया। इस पर मंदिर प्रबंधन की ओर से ईमेल आईडी बनाई गई। अब तक 90,000 से ज़्यादा ईमेल आ चुके हैं। अब भी रोज़ाना 300 से ज़्यादा ईमेल आते हैं। वहीं रोज़ाना इन्विटेशन से लेकर मन्नत के 200 से ज़्यादा लेटर भक्त भगवान श्री गणेश को भेजते हैं। मंदिर के महंत संजय दादीज बताते हैं कि कोरोना के बाद से अब व्हाट्सएप पर भी मन्नतों की चिट्ठियां आने लगी हैं। उन्होंने बताया कि भक्त और भगवान के बीच इस तरह का अनूठा रिश्ता देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि भक्तों की इसी श्रद्धा को देखते हुए दिन में जितनी भी चिट्ठियां और मेल आते हैं, उन्हें भगवान गणेश को पढ़कर भी सुनाए जाते हैं। मंदिर महंत कहते हैं कि यह प्रचलन कई सालों से चला आ रहा है। जब लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते थे तो वे पोस्ट कार्ड लिखते थे। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला तो वे चिट्ठियाँ भेजने लगे। इस बीच कई भक्त जो मंदिर तक नहीं आ पाते थे, वे देश के अलग अलग शहरों से शादियों के कार्ड और मन्नत के खत भी भेजने लगे। आगे उन्होंने बताया कि सन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर फोर्ट पर आक्रमण किया। इस दौरान दुर्ग के बाहर खिलजी की सेना का घेरा लंबे समय तक रहा। फोर्ट में इस दौरान रसद सामग्री खत्म होने लगी, जिसके चलते राव हमीर की चिंताएं बढ़ गईं। एक दिन राव हमीर के सपनों में गणेश जी ने दर्शन दिए और फोर्ट में उनका मंदिर होने की बात कही। राव हमीर गणेश जी की बताई जगह पर पहुंचे तो उन्हें प्रतिमा दिखाई दी। इसके बाद फोर्ट के भंडार गृह अपने आप ही भर गए। दादीज बताते हैं कि यह मंदिर पूरी दुनिया का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपने परिवार के साथ विराजमान है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।